गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हूँ नवेम्बर मस 6 तारीख शनिवार। सबुदिन सकाल पर आज सकाल खबर बहुत ही गुरुत्वपूर्ण रही। देश विदेश नहीं कि आपण जिलार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर अपडेट आगे भिडियो किसी मिनिट मध्य पाइबे। एथस आउ गोटे रिक्वेस्ट, भिडियो को शेष पर्यंत देखा सहित समस्ते भिडियो को लाइक आउ कमेंट आउ शेयर करा आदू भूल जदि एपर्यंत आमरी चैनल को सब्सक्राइब करना ए समस्ते सब्सक्राइब करने सहित पाखे आल ब्लाक दबाई दिंतु। देखो आज खबर बहुत ही गुरुत्वपूर्ण रही, निश्चय भी शेष पर्यंत देखिए। ई श्रम कार्ड आरंभ कर बहुत सारा योजनार अपडेट आसी। कमिला खाइबा तेल दर साधारण जनता को महंगा मालर आश्वस्ति देवाक बड़ पदक्षेप नहीं केन्द्र सरकार। उपरुमा होता खाइबा तेल को नियंत्रण करने केन्द्र सरकार काली शुल्क ह्रास कर टिकस ह्रास हो विभिन्न तेल लिटर पिछा दाम 4-7 टंका जाए सस्ता हो। केन्द्र सरकार काली पमालीन सोयाबीन और सूर्यमुखी भाई तेल उपर लगुवा श्लोक को संपूर्ण हटाई। परवर्ती खबर, कटक धवलेश्वर पीठ से जारी हे 144 धारा। आसंता 8 तारीख कार्तिक सोमवार पड़ुवर प्रबल भिड़ को लक्ष्य रखी प्रशासन पक्षर एपरी निष्पत्ति। कोरोना प्रकोप कमी नथिबारु लोक मानू सेठा को जीवा लगे बारण कर। परवर्ती खबर, सरला दीपावली सबु चेतावनी को फांकी फुटला बाण। एवं प्रदूषण स्थिति असंभाल, प्रदूषण धूआरे दिल्लीवासी अणनिश्वासी। राजधानी नुआ दिल्ली और एनसीआर रे वायुर मान अति गंभीर स्तर को जा। सरकार और सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी सत्वे दीपावली में प्रबल रु अति प्रबल बाण फुटी सूचना आ। परवर्ती खबर, टोक्यो पैरालंपिक बॉय ओडिया पु प्रमोद भागवत को चारिआड़ शुभेच्छा और पुरस्कार सह छुटुची। एही क्रम संबलपुर एलआईसी डिविजन पक्षर प्रमोद को 1,10,00,000 टंकार चेक प्रदान करा सूचना आसी। परवर्ती खबर, कमिबो बस भड़ा, केन्द्र सरकार डीजेल उपर 10 टंका उत्पादक श्लोक ह्रास कर। एपटे राज्य सरकार 3 टंका भाट ह्रास कर। डीजेल दर कमिबा परे बस भड़ा कमिब कि नहीं तापर समस्त नजर रही। विगत 17 दिन तले बढ़ी बस भड़ा, तेबे बस मालिक संघ पक्षर बस भड़ा कमिब बोली बस मालिक संघ सूचना देखते। परवर्ती खबर, पुरीर नाम बदलवार आवश्यकता नहीं। शंकराचार्य निशानंद सरस्वती कहते पुरीर नाम परिवर्तन करी जगन्नाथपुरी नाँ से नामित कले भल हाँ बोली से मत दे, किंतु एवं मना कर पुरीर नाम बदली हेब ना। गत किछि दिन धरी एने पुरीर विभिन्न संगठन पक्षर दाबी हो आसला, एवं संपूर्ण भाव मना कर। परवर्ती खबर, व्यापिला जिका भाइरस पुणी 30 पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश कानपुर में जिका भाइरस व्यापार लगी। काली एठारे पुणी थे 30 जन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आक मिसाई राज्य में मोट संक्रमित संख्या 66 पहुंची जाती। एम 45 जन पुरुष 21 जन महिला थिबा सूचना आ। परवर्ती खबर, खाउटी उपर पड़ा जाऊँगी महंगा माड़। एणिकी आपण गाड़ी पंचर हेले खर्च करने को पड़ो 150 टंका, तेबे पूर्वर आप 50 टंका बेसी रु बेसी 80 टंका मध्य गाड़ी पंचर मारी पारुथले, किंतु एबे आउ ताहा चलिबो नाही। कारण गाड़ी पंचर मारिबाकु हेले आपणकु देबाकु पड़िबो 150 टंका किंबा ताठु अधिक। तेबे सबु जिनिसर दाम बढ़ुथिबा कारणरु पंचर दाम बढ़िबा नै कुहा जायछि। परवर्ती खबर, आसुचि लघुचाप। आसंता 9 तारीख बेलू दक्षिण पूर्व बंगोपसगर में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। एने भारतीय पाणीपाग विभाग पक्ष सतर्क सूचना जारी करा जाई। जीएफएस मेडल अनुसार यह आंध्र उपकूल अतिक्रम कर। पूर्व पूर्व बंगोपसगर में एक यार पार्श्वर्ती उत्तर बंगोपसगर अंचल लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होता। एवं पुणी 9 तारीख रु आउ एक लघुचाप आ। परवर्ती खबर, स्कूल खोलिबा नै राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग अध्यक्षा सुश्री संध्यावती प्रधान से कहते स्कूल खोलिबा आवश्यक। प्रथम रु पंचम श्रेणी खोलिबा राज्य सरकार और गणशिक्षा विभाग को सुपारिश करी। प्राथमिक शिक्षा होची मूलदुआ, मूलदुआ जदि बिगड़ी जीव उच्च श्रेणी में बहुत असुविधा हेब। छोट पिलामानंकर रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिक रही थाए, तेणु प्रथम रु पंचम खोलिले कौन से असुविधा हेब ना बोली। शिशु टीका खूब शीघ्र आसवे।
परवर्ती खबर अन्य देश में संक्रमण वृद्धि पाथ्वर राज्य टीकाकरण को अधिक त्वरान्वित कर दुई डोज टीका नेला पर भी कोविड नियम मानिबा सहित गहली जगार दूरे रहिबाको हेबो बोली परिवार कल्याण निदेशक विजय प्राणीग्राही कहते तेबे प्राय दुई सप्ताह हेब प्रथम डोज अपेक्षा द्वितीय डोज अधिक टीकाकरण होती। परवर्ती खबर सुधुरी चीन पुणी जारी रही तार सीमाबुद्धि कार्यकलाप पहरा अड़ुआ भारत सीमार निर्माण करुच्ची गाँ एलएसी पूर्वांचल अरुणाचल प्रदेश में शहे घर थिबा गाँ निर्माण कर चीन एने आमेरिका प्रतिरक्षा विभाग पक्षर रिपोर्ट प्रकाश पाई। परवर्ती खबर आंदोलनकारी कृषक को बेकारिया मदुआ कहिबा महंगा पड़ा बीजेपी सांसद गाड़ी को भांगे विक्षोभकारी बीजेपी राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगर काली हरियाणार हिस्सो जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में जोगदेवा जाता बेले कृषकों एक गोष्ठी तांकु कला पताका प्रदर्शन करने सहित तांको गाड़ी को भांगी देता सूचना आसी। परवर्ती खबर लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी मौलिक वेतन सहित सप्तम वेतन आयोग अधीन से महंगा भत्ता डीए 31% वृद्धि पाई। यह सहित केंद्र सरकार कर्मचारी घर भड़ा भत्ता को एचआरए मध्य वृद्धि करा जाएगी। केंद्र सरकारी कर्मचारी दरमा वर्तमान डबल बोनस सहित आसीबो बोली सूचना आसी। परवर्ती खबर आगुक देश में पेट्रोल और डीजेल मूल्य आहरी ह्रास हो ओपेक और संपर्क तैल उत्पादक देश मैंने असंधित तैल दर वृद्धि नक लगे निष्पत्ति नहीं। आमेरिका राष्ट्रपति जे बाइडेन देश में गैसोलीन मूल्य ह्रास लगे साउदी अरब और रूस को उत्पादन वृद्धि निम्ते नवेदन करते ही अनुसार ओपेक् प्लस देश माने डिसेंबर मासरे दैनिक 4 लाख बैरल उत्पादन लागि निष्पत्ति नेछंति। परवर्ती खबर देश छाड़ी दे ब्रिटेन रे रहिबे भारतर सबुठारु धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी एबे अंबानी घर हेब लंडन सेठारे अंबानी 300 एकर संपत्ति किणिथिबा एक रिपोर्ट रु जणापडिछि। एहि संपत्ति लंडनर बैंकिंग घुमसी एक स्टॉक पार्क रु किनिथिबा जणापडिछि। सेठारे अंबानी तांको परिवार सहित रहिबे बोली रिपोर्ट रे प्रकाश पाई। परवर्ती खबर सबु राशन कार्ड धारिंको पई बड़ खबर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अधीन गरीब माने नवंबर पर मागणा राशन पाइपरिबे नाही। काली खाद्य सचिव कहिसेंते जे एही योजना अधीन नवंबर पर मध्य गरीब लोकों को राशन देवाई कौन से प्रस्ताव ना तेज सूचना था कि जे गत वर्ष ठारो एही योजना अधीन केंद्र सरकार गरीब परिवार को मागणा राशन सामग्री जोगाई देउछंती। तेबे महामारी आरंभ दिन ठारो मागणा राशन सामग्री मिलुची तेबे आरी भितर आउ एक सरकारी स्तर सूचना आसी जैकि वर्तमान खूब शीघ्र पुणी राशन सामग्री नवंबर पर मध्य आउ 4 मास पर्यंत होली पर्यंत पुणी मागणा राशन सामग्री मिलिब तेबे यार भितर बहुत सारा राज्य रे मध्य एमती घुंचिया दिया सारी जैकि आउ 4 मास पर्यंत तेबे आपण मन पाखे पर्यंत राशन कार्ड अछि ना नै निश्चय बे कमेंट करंतु। तेबे राशन कार्ड रे आउ एपरि राशन सामग्री नवंबर पर राशन सामग्री मिलबा उचित कि नहीं निश्चय भी कमेंट सेक्शन में कमेंट निश्चय भी देवे। परवर्ती खबर एलपीजी सिलिंडर में मिलबो सब्सिडी। एलपीजी सिलिंडर सब्सिडी संपर्क में बड़ सूचना सामना को आसी सरकार द्वारा होता अभ्यंतरण मूल्यांकन सूचित करे ग्राहकों को एलपीजी सिलिंडर पर सिलिंडर पिछा 1000 टका देवाक पड़ो तेबे यह सरकार मत कौन ता संपूर्ण स्पष्ट होना गणमाध्यम रिपोर्ट अनुजाई सरकार सब्सिडी प्रसंग अनेक थर आलोचना करे बर्तमान आग को विचार कर एलपीजी सिलिंडर उपर पुणी सब्सिडी मिलवा नहीं। परवर्ती खबर ई श्रम कार्ड धारी खुशी खबर ई श्रम कार्ड में मिल 5000 टका जमीक लेबर कार्ड में आपन को 1500 टका लेखा मिलू से ई श्रम कार्ड में 5000 टका तेज से एक लिस्ट जारी कर तेबे समस्त ई श्रम कार्ड धारी को मिलबो नाही। पर्टिकुलर जो माने योग्य अछन्ते से मानको केवल ई श्रम कार्ड टंका मिलबा पई जाउची तेबे वर्तमान बहुत सारा स्टूडेंट माने आउ मध्य जो माने जॉब रे अछन्ते से मानकर पीएफ ईएसआई कटुची से मानको हिटो बाद दिया जिवो बाकी जो मानकर सैलरी
15,000 ଟଙ୍କାର ତଳକୁ ଇନକମ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ 7,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଯେମିତିକି ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯାହାକି ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯାହାକି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 5,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବୀମା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହିପରି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ଏବେ ସହାୟତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଜାନୁଆରୀରୁ ନେଇକି ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ କାଳିଆ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପୁଣି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଘଟଣା କିଛି ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ କହି ରଖୁଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ପୁରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ସେମାନଙ୍କ ବାକି ଥିଲା। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ନାମମାତ୍ରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ହିଁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୃଷି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଏଇ ଯୋଡ଼ାକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇକି ପୁଣି କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ ସେମାନେ କେବଳ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏଠି କହି ରଖୁଛି କାହିଁକିନା ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଜେରକ୍ସ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କାଳିଆ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା କେଉଁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଇକ୍, ଏଥି ସହିତ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଏଭଳି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଅଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।